बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमजद तकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस, द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस। After recruitment, selection, training and development of employees in any organization, the next step is to appraise the performance of the employees. The purpose of this topic is how to do this process of performance appraisal. Basically, performance appraisal hai kya? इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को, कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड है या ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉइज़ को हमने रिक्रूट किया सिलेक्ट किया ट्रेनिंग दी उन्हें उनकी जो है डेवलपमेंट की, उसके बाद जो फर्दर है इसमें हमने ये देखना है कि यार जो हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी या उनको जो डेवलपमेंट है इनमें वो की, तो किस हद तक उस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का उस एम्प्लॉय पर इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी जो हमने वैल्यूज़ हैं या उसकी जो आउटपुट है किस हद तक जो है वो इम्प्रूव की गई, उसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली, सॉरी, जनरली हम ये सोचते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है, आगे हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि किस सिनेरियो में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो डिफ़र करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें देखें, इट इज़ सम टाइम्स अज्यूम्ड दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द सेम थिंग एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बट देयर आर सिग्निफिकेंट differences. Performance appraisal can be defined as the formal assessment and rating of individuals by their managers at usually an annual review meeting. कि performance appraisal क्या है, ये एक formal assessment है, formal assessment of employees या individuals जो किसी organization में work कर रहे हैं। असेसमेंट करता कौन है, ये मैनेजर्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसको फॉर्मली असेस कर रहे होते हैं। इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये एनुअली या सेमी एनुअली की जाती है, जबकि अगर हम देखें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, इन कंट्रास्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड मच वाइडर मोर कंप्रिहेंसिव एंड मोर नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट that clarifies mutual expectations, emphasizes the support role of managers who are expected to act as coaches rather than judges and focuses on the future. कि performance management performance appraisal से किस तरह differ कर रही है। performance appraisal जो था वो एनुअली या सेमी एनुअली जो इसके मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें वो फॉर्मली असेस करते हैं कि ये एम्प्लॉई जो है ज़्यादा जो है वो वर्क कर रहा है या इसकी आउटपुट ज़्यादा है या इसकी आउटपुट कम है, फॉर्मली किया जाता है। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वहाँ पर एनुअली सेमी एनुअली था, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस अप्रेजल मच वाइडर है, मोर कम्प्रिहेंसिव है एंड मोर नेचुरल है।
फर्दर इसको हम अभी स्टडी करेंगे डिफरेंस इसका अपने इसी लेक्चर में। तो अभी इसको हम देखते हैं इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशंस, जो डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स या रिसर्चर्स ने इसको डिफाइन किया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को और परफॉर्मेंस अप्रेजल को। फर्स्टली हम इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशंस में फर्स्ट है अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की सलाहियत को कैसे चेक किया जाए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं या टीम की सूरत में कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ये इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टमेटिक या कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड डेफिनेशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग वर्क एंड सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, डेवलपिंग कैपेसिटी, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड रिवार्डिंग गुड वर्क। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, सेकेंड ऑथर जो है इसको डिफाइन कर रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, कि किसी भी वर्क को प्लान करना, उस वर्क को जो हमने प्लान किया है उसमें जो हमने गोल सेट किए हैं उन गोल्स को फर्दर किस तरह उनको अटेन करना है, हासिल करना है, उस वर्क को जो प्लान जो हमने किया है उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करनी है और उसमें कैपेसिटी किस तरह डेवलप करनी है, और परफॉर्मेंस का रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड रिवार्डिंग गुड वर्क, कि परफॉर्मेंस को किस तरह रिव्यू करना है, आया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने ट्रेन किया है कि वो परफॉर्मेंस या उनकी जो आउटपुट है उस तरह से है या नहीं है जो हमारी डिमांड है, और रिवार्डिंग गुड वर्क कि जो अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं उनको हम किस तरह रिवार्ड कर रहे हैं उनके गुड वर्क पर, कि उन्होंने टारगेट अचीव किया है उनको हम किस तरह रिवार्ड करेंगे। ये सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आ जाता है। ये इसकी दो डेफिनेशंस थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। डिफरेंट ऑथर्स, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो इसको डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन है, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाइनिंग देम परफॉर्मेंस अलाइनिंग देयर परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, कि जो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज जो हैं इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं या टीम की सूरत में वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, डेवलप करना है परफॉर्मेंस को, उन वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और डेवलप करना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एंड अलाइनिंग देयर परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस से वो गोल्स अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आइडेंटिफाई। इसमें यही डेफिनेशन इसकी थी। इसमें फर्स्ट आइडेंटिफाइंग हमने देखा, आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। सेकंड इसमें मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। थर्ड इसमें डेवलपिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स, अलाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। ये इसी डेफिनेशन को उसने ब्रेक किया और इसका ब्रेकअप दिया है कि परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स और टीम्स को उनको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, डेवलप करना और अलाइन करना। ये इसकी डेफिनेशन थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की।